बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मेरा नाम नईम अरशद है। मैं आज आपको बताऊंगा बीएस क्रिमिनोलॉजी के लिए बीजेडीयू में कैसे अप्लाई करते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि बीजेडीयू में बीएस क्रिमिनोलॉजी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेट खोलते हैं। यहाँ बीजेडीयू की मेन साइड लिखते हैं, बीजेडीयू ये आ गया। यहाँ इनकी मेन साइड आ गई। यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। ये थोड़ा सा नीचे आ गया ऑनलाइन एडमिशन। यहाँ ये ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पे आ गए। इधर अगर आपका पहले से अप्लाई हुआ तो उसको खोलो, नहीं तो यहाँ न्यू पे जाके न्यू कर लो। यहाँ जाके अंडर ग्रेजुएट या नेक्स्ट। यहाँ आईडी कार्ड नंबर लिख देंगे हम। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ नाम आ जाएगा। यहाँ फादर नेम आ जाएगा। यहाँ मेल फीमेल मेल पे क्लिक कर दें। यहाँ नेशनलिटी पाकिस्तान। यहाँ प्रोविंस आ जाएगा पंजाब। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। यहाँ जो आपका है वो लिख दो। यहाँ एड्रेस आ जाएगा। यहाँ फादर का मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ गार्डियन का आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा प्लेस ऑफ स्टडी, कहाँ करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी ऑन हाउस। यहाँ हाफिज़ करान नो यस। यहाँ पिक्चर आ जाएगी, ये पिक्चर लगा दो। उसके बाद यहाँ आ जाएगा फादर का नेम। यहाँ फादर का नेम जो ये ऊपर भी आपने लिखा है यहाँ से कॉपी कर लो या यहाँ दोबारा लिख दो। यहाँ से आपके जो एड्रेस है वो यहाँ से कॉपी कर लो या जो आपने लिखा है फादर का वो लिख दो यहाँ। उसके बाद जो है आप यहाँ से जाके उनका मोबाइल नंबर लिख दो या ये ऊपर वाला ये कॉपी कर लो। उसके बाद ये मैट्रिक की डिटेल आ जाएगी, बोर्ड कौन सा है मैट्रिक का आपका, ये सन कौन सा है, रोल नंबर क्या है। इधर आ जाएगा टोटल मार्क्स। इधर ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। इधर डिवीज़न आ जाएगी कौन सी है आपकी। इधर आया एफएससी प्री मेडिकल जो है उसके जो मार्क्स आएंगे। वैसे प्री इंजीनियरिंग या बोर्ड आ जाएगा आपका मुल्तान या एनुअल 2022 या रोल नंबर आ जाएगा। यहाँ टोटल नंबर आ जाएंगे 520। ऑब्टेन आ जाएंगे। डिवीज़न आ जाएगी फर्स्ट ग्रेड ए प्लस आ जाएगी। यहाँ जो तीन सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल उनके आ जाएंगे नंबर। केमिस्ट्री में आ जाएंगे टोटल 85 75। यहाँ फिज़िक्स के आ जाएंगे 85। यहाँ आ जाएंगे 73। इधर आ जाएंगे मैथमेटिक, इसके टोटल 100 होते हैं। इधर आपके आ जाएंगे 89। ये सारा आपने फॉर्म यहाँ से चेक कर लेना, कोई गलती तो नहीं। उसके बाद इसको जाके सेव एप्लीकेशन में जाके यस कर देना। ये आ गया। अब यहाँ से जाके मेन कैंपस, मेन कैंपस में जाके अब ये सारे सब्जेक्ट पढ़ें। अब यहाँ से इसको देखते जाओ कहाँ आपका सब्जेक्ट हो, तो वो जहाँ वो आएगा उस पर जाके अप्लाई कर दो। जिस पे नहीं बन रहा होगा नो आएगा, जिस पे आएगा उस पे अप्लाई की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ दोस्तों देखते जाओ, यहाँ आ जाएगा बीएस क्रिमिनोलॉजी। यहाँ से यूँ नीचे तक आते जाओ, यहाँ से आ जाएगा लिखा होगा बीएस। ये आ गया बीएस क्रिमिनोलॉजी। अब इस पे जाके आपने अप्लाई कर देना। अब यहाँ जाके माय अप्लाइड प्रोग्राम, यहाँ जाके फिनिश अप्लाइड, ये आ गया जो आपने किया था। ओके करो। अब इसके बाद इसका अपलोड चलान पे जाना। यहाँ से इसका ब्रांच का नाम, यहाँ डेट आ जाएगी।
और यहाँ अमाउंट आ जाएगी, और यहाँ जाके चलान अपलोड के ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ जाके अपलोड चलान कर दो। तो ये मैसेज आ गया, चलान अपलोड सक्सेसफुली, अब माई फ्लाइट प्रोग्राम में चले जाओ, ये प्रिंट फॉर्म में चले जाओ। तो ये आपका प्रिंट फॉर्म आ गया, 2 पेज का होगा, इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लो। ये यूनिवर्सिटी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अब आपका दाखिला हो गया। अब आके जो रोल नंबर स्लिप वगैरह आ गया, आपको उसका मैसेज आएगा, या अगर वो स्लिप वहाँ वो जो होती है स्लिप जो लगेगी, तो उसका भी आपको मैसेज आएगा।